तुम यहाँ? उस दिन का बदला लेने आई हो? मुझसे दूर रहो वरना पुलिस बुला लूंगी। शांत हो जाओ, ये बस एक इत्तेफाक है। अच्छा, इत्तेफाक है, क्या बात है। झूठी मक्कार हो तुम, यहाँ मुर्दों को तो बख्श दो। मुझसे लड़ने तुम मेरे पति की कब्र तक आ पहुँची? तुम गलत हो मेघन, अब ये बात को यहीं खत्म कर दो। गुड बाय। ओह माय गॉड, सिंडी, सिंडी माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम भी एक विडो हो। उससे क्या फर्क पड़ता है, अब मैं समझी तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल है 17 साल बाद जिंदगी में किसी के साथ दोबारा खुश होना, और फिर इस तरह के रिश्ते की मुश्किलों से आपका सामना होता है। मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी। तुम सॉरी हो? आखिर क्यों? जॉन को मुझसे दूर करने के लिए या मेरा ब्लॉग हमेशा के लिए बंद करने के लिए? मैं अपने बेटे की भलाई चाहती थी। पता है मेघन, मैं तुम्हें सिर्फ सॉरी बोल के अपने जहन से ये बात निकालने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, डोंट वरी। मेरे और जॉन के बीच सब खत्म है, उम्मीद है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ओके स्टीवन, अब ऐसे सवालिया निगाहों से मत देखो मुझे। मुझे पता है मैंने सब गड़बड़ कर दी, पर अब मैं ये सब कैसे ठीक करूं? ओके कोशिश करती हूं स्टीवन। ये देखो, गुड आफ्टरनून सिंडी रिचर्ड्स के फॉलोअर्स, मेरा नाम मेघन है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उस दिन मैंने जो सिंडी के लाइव शो में किया जहां मैंने उस पर इल्जाम लगाए, मैं गलत थी उसके और मेरे बेटे के रिलेशनशिप को लेकर। और मैंने एक और गलती करी, उसकी इंसल्ट करके, वो भी उसके फॉलोअर्स के सामने। सिंडी एक बहुत ही शानदार इंसान है जो दिल से लोगों की मदद करना चाहती है। तो सिंडी रिचर्ड्स, इन दिनों मैं मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ और मुझे तुम्हारी वाकई मदद चाहिए। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ओके, तो इस वीडियो के साथ मैं अब एक फ्लैश मॉब शुरू कर रही हूँ। सिंडी रिचर्ड्स, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सिंडी रिचर्ड्स, मुझे सच में जरूरत है मदद की। थैंक्स। शायद ये काम कर जाए। ओके। मॉम, मॉम, मॉम कहाँ हैं आप? मॉम, ओह थैंक गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे आपका इमरजेंसी टेक्स्ट मिला, क्या हुआ, आप ठीक हैं? हाँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। मॉम देखिए, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, आई एम सॉरी। बेटा मुझे माफ कर दो, सच में मैं गलत थी। मुझे तुम्हारे फैसले पर भरोसा रखना चाहिए था, तुम बड़े हो चुके हो, है ना? ठीक है, पर सिंडी के बारे में क्या सोचा है? सिंडी वो एक अच्छी इंसान है और तुम लकी हो जो तुम्हें वो मिली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ, पर शायद तुम मुझे माफ कर सको, है ना? बिल्कुल, आपको क्यों नहीं माफ करूंगा, आखिर आप मेरी मॉम हैं, हमेशा करूंगा। थैंक्स। मेरे लिए बस क्या कैसे कहूँ, ये थोड़ा मुश्किल है आपसे इस बारे में बात करना। मैं समझती हूँ। जॉन रुको, जाने से पहले एक मिनट जरा किचन में आओगे? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओके हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ चलो। सिंडी? हाँ, मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है आज। हम यहाँ लाइव कुकिंग ब्लॉग कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा।
मैं जानती हूँ तुम भी ये देख के बहुत खुश हो।